हेलो नमस्ते, सत श्रीकाल, राधे राधे, राम राम, भयो नाम अस्सलाम वालेकुम। मैं नन्हे मनुष्य प्यारी सी व्यूवर्स, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही था गीता एंड भूमि लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में, फाइनली गीता और भूमि की फर्स्ट मीटिंग तो हो ही चुकी थी। यहाँ पे भूमि को लग रहा था शायद गीता को उस पर क्रश हो गया है, इसलिए गीता उसके पीछे पीछे से ढूंढने के लिए बाहर आई है। पर ऐसा कुछ भी नहीं था, गीता तो सिर्फ भूमि के डैड से मिलना चाहती थी। उसके डैड के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी कि वो कौन है, कहाँ रहते हैं। उन्हीं के बारे में जान के तो वो अपनी बच्ची के बारे में जान सकती थी, इसलिए वो भूमि के पास आई थी। पर यहाँ भूमि गीता को बोलती है कि तुम मुझे पसंद करती हो ना, इसलिए तो मुझे ढूंढते ढूंढते बाहर आ गई, राइट? यहाँ गीता को कुछ समझ नहीं आता, वो क्या बोले। भूमि बोलती, बताओ ना, इसीलिए तुम बाहर आई हो ना? जिस पे गीता बोलती है, हाँ हाँ राइट, पर इसीलिए मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, इसलिए। भूमि कहती, फिर घबरा क्यों रही हो, मुझसे इतना दूर क्यों? भूमि थोड़ा गीता के करीब जाती है, उसके बालों को वो अपने हाथों से साइड करती है, तो गीता एकदम घबरा के आंखें बंद कर लेती है। भूमि मुस्कुराते हुए कहती है, तुम बहुत क्यूट हो। गीता बोलती है, हाँ हाँ भूमि बोलती, तुम क्यूट हो यार। जिस पे गीता बोलती, थैंक यू। भूमि बोलती, अच्छा तो अब कहाँ जाना है, योर प्लेस और माइन प्लेस? तो गीता को थोड़ी सी तो इंग्लिश आती थी, बट इतनी भी समझ नहीं आती थी, उसे समझ नहीं आता कि हाँ ठीक है क्या। भूमि बोलती, अरे मैं पूछ रही हूँ कि कहाँ जाना है, तुम्हारे घर या फिर मेरे घर? तो गीता बोलती, मेरा तो कोई घर भी नहीं है, उसके घर जाऊंगी तो उसको पिताजी के बारे में कुछ जान पाऊंगी। तो गीता बोलती, तुम्हारे घर? भूमि बोलती, ग्रेट, चलो फिर। तो भूमि गीता का हाथ पकड़ लेती है और चलने लगती है। गीता भूमि की तरफ देख लेती है कि मुझे ये सीधा अपने घर क्यों लेके जा रही है। गीता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। भूमि तभी उसे जो है वो गाड़ी का दरवाजा खोल के कहती, बैठो। गीता बोलती, ये किसकी कार है? तो बोलती, मेरी कार है, बैठो ना। तो गीता गाड़ी में बैठ जाती है और भूमि भी गाड़ी में बैठती है। वो गाड़ी स्टार्ट करती है, म्यूजिक लगाती है और थोड़ा गुनगुनाते हुए और डांस करते हुए जो है वो इंजॉय कर रही थी। गीता ये भूमि की तरफ देख रही थी, तो भूमि बोलती, क्या हुआ? थोड़ा सफर कर लो बस, मेरे घर आने वाला है। जिस पे गीता नजरें चुरा लेती है। भूमि मस्ती करते हुए गीता को बोलती है कि मैं ये तो जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद करती हो, पर ये नहीं जानती कि तुम्हें मैं पसंद आई क्यों, मुझ में ऐसा क्या है? गीता बोलती, हाँ। भूमि बोलती, अरे मुझ में ऐसा क्या है, क्या पसंद आया तुम्हें? तो गीता चुप हो जाती है, क्योंकि ऐसा तो कुछ था ही नहीं। वो तो सिर्फ उसके पिताजी के बारे में जाने के लिए उसके साथ घर जाने को तैयार हुई थी। जब वो कुछ नहीं बोलती तो भूमि हंसती है और कहती, तुम बहुत क्यूट है यार, तुम्हारा ये बार बार चुप हो जाना, कंफ्यूज होकर मुझे देखना, मुझे बहुत पसंद है। और फिर भूमि को कॉल आ जाती है। भूमि जो है वो स्पीकर पे डाल दिया, और ये कॉल किसी और की नहीं, उसके पिताजी की थी। भूमि अपने डैड से बात करते हुए कहती, हे डैड, व्हाट्सअप? तो उसके डैड बताए, व्हाट्सअप, तुम पार्टी कर रही थी ना? तो जिस पे भूमि तुरंत ब्रेक लगाती है, नो नो डैड, मैं पार्टी नहीं कर रही थी। तो उसके डैड बोलते, मुझे पता है तुम नाइट क्लब में थी, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, तुम पार्टी नहीं करोगी, तुम्हें एक अच्छा लॉयर बनना है, ये सारी जिंदगी बस ये पार्टी ही करते रहने हैं। जिस पे भूमि वो थी, डैड कम ऑन, मैंने पहला केस लिया है, तो उसके उसके लिए दोस्त को पार्टी दे रही थी, नथिंग एल्स, और मैंने तो ड्रिंक भी नहीं की। तो उसके डैड बोलते, तुम घर आओ फिर तुमसे बात करता हूँ। भूमि कॉल कट कर देती थी, ओ डैड, तो डैड मेरी जान ले लेंगे, मुझे घर नहीं जाना, नो वे, मैं घर नहीं जा सकती। भूमि बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, कभी सर को जाती है तो कभी क्या करती है। गीता ये तो समझ जाती है कि भूमि परेशान है। गीता कहती, तुम ठीक हो? भूमि बोलती, नो आई एम नॉट फाइन, डैड यार, डैड मेरी जान ले लेंगे, पता नहीं चलता, मैं कैसे पता चलता है मैं पार्टी कर रही हूँ, मैं घर नहीं जा सकती। यहाँ गीता परेशान हो जाती है, अगर वो घर नहीं जाएगी भूमि, तो गीता उसके घर कैसे जाएगी और उसके डैड के बारे में कैसे सब पता करेगी? गीता को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो भूमि का हाथ पकड़ लेती थी, प्लीज शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, वो तुम्हारे पिता, अभी तुम्हारे तुम्हारे डैड है ना, कोई बात नहीं, डैड तो नाराज़ होते रहते हैं, पर तुम तो बेटी हो ना, वो तुमसे कितना ही नाराज होंगे, तुम घर जाओगी ना, सब ठीक हो जाएगा। तो कहती, नहीं 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 डैड घर है और मेरा वेट कर रहे हो, ऊपर से मैं तुम्हें घर लेने जा रही हूँ, क्वेश्चन 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 कर करके मेरी जान ले लेंगे, नो 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 नो, आई एम नॉट गोइंग होम, आई एम नॉट गोइंग होम, मुझे मुझे कुछ करना होगा, क्या मैं घर तो नहीं जा सकती, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ, किधर फंस गई मैं? तो गीता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि ये घर नहीं जाएगी तो मुझे अपनी बेटी के बारे में कैसे पता चलेगा। गीता को किसी भी तरह भूमि को घर लेके जाना था, उसे मनाना था। तो गीता थोड़ा सा भूमि के करीब आती है, उसके हाथों को सहलाती है, उसके पीठ पे हाथ रखती है, कहती है, शांत हो जाओ, सब ठीक है, इतने परेशान मत हो, तुम छोटे बच्चों की तरह क्यों घबरा रहे हो, सब ठीक है, ओके? तो गीता भूमि को रिलैक्स करने के लिए उसके थोड़े करीब आई थी, बैग पे हाथ फेर रही थी, उसके हाथों को टच कर रही थी, उसे शांत कराने के लिए।
पर भूमि गीता के क्लोज आ जाती है, उसके शोल्डर पर सर रख लेते रहते। उफ गीता तो मुझे कितने अच्छे से समझती हो, काश मेरे डैड इतना मुझे अच्छे से समझते होते यार, मुझे समझते क्यों नहीं है। उन्हें क्यों ऐसा लगता है कि मैं कुछ गलत करूंगी। कमोन, मैं छोटी बच्ची थोड़ी हूँ यार, कोई अपनी बेटी को इतना कंट्रोल कैसे कर सकता है और क्यों कर सकता है। डैड हमेशा मुझे कंट्रोल करते हैं, उन्हें समझना होगा मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मुझे अपने फैसले खुद लेने होंगे। जिस पे गीता बोलती है कि तुम्हारे डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे भी डैड मुझसे बहुत प्यार करते थे, हमेशा मुझे कंट्रोल करना चाहते थे। मुझे कहते थे कि मैं घर से अकेली ना निकलूं, पर मैंने उनकी कभी नहीं सुनी। काश मैंने सुनी होती तो आज मैं ऐसे। तो गीता ऐसे सोच के थोड़े अपसेट हो जाती है, और उसे उसका पास याद आने लगता है। वो कोसने लगती है खुद को कि काश उस दिन मैं साइकिल लेके बाहर ना निकली होती। तभी भूमि गीता को देखते कि भाई क्या हुआ, तुम तो मुझसे भी ज्यादा डिस्टर्ब लगती हो, कुछ हुआ है क्या? क्या तुम्हारे भी तुम्हारे पिताजी के साथ लड़ाई हुई है? तुम पिताजी ही बोलती हो ना। जिस पे एकदम से गीता शॉक हो जाती है कि नहीं, मैं तो डैड बोलती हूँ। तो बोलती है, रिलैक्स, मैं जान रही हूँ तुम किसी छोटे से गांव से, प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है। ओके, तुम्हारी लैंग्वेज से मैं सब समझ गई। क्या तुम अपने घर से भाग के आई हो? एम आई राइट? मैं सच बोल रही हूँ ना, तुम भाग के आई हो ना। तभी तुम अपने घर नहीं जा सकती थी, इसलिए तुमने बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी। सच कहो, यही बात है ना? तो गीता बोलती है, हाँ, मेरे पिताजी से लड़ाई, वो भी मुझे कंट्रोल करते थे ना, जैसे आपके पिताजी आपको करते हैं। तो भूमि हंसते हुए थी, ओ माय गॉड, हम दोनों कितने सिमिलर हैं यार। उफ, तभी तुम मुझे समझ पा रही हो और मैं तुम्हें समझ पा रही हूँ। अब बताओ क्या करना है, तुम्हारे घर भी नहीं जा सकते और मेरे घर भी नहीं जा सकते। तो गीता चुप हो जाती है। तभी भूमि बोलती है, मेरे पास एक आइडिया है, मेरे दोस्त का फ्लैट यहीं पास में है, हम वहां चलते हैं। गीता बोलती है, अगर घर नहीं जाओगे तो आपके पिताजी आपसे और नाराज हो जाएंगे। दुर्गा बोलती है, उफ यार गीता, तुम ये बोलना बंद करो, तुम मुझे स्ट्रेस दे रही हो। आज तो मैं घर नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी जान ले लेंगे, क्योंकि मैंने थोड़ी सी ड्रिंक कर ली थी और वो समझ जाएंगे, इसलिए मैं घर नहीं जा सकती। एक काम करते हैं, तो उसके फ्लैट पर चलते हैं, सुबह जो होगा देखा जाएगा। और भूमि ऐसे ही करती है, वो गाड़ी घुमा लेती है और थोड़ी देर में अपनी दोस्त की फ्लैट पर पहुंच जाती है। वहां जाते हैं, उसे पता था चाबी कहाँ रखी होती है। वो चाबी उठाती है जो फ्लैट के बाहर ही कहीं छुपी पड़ी थी, वो उठाती है और फ्लैट खोलती है और कहती है, चलो आओ। गीता बाहर ही खड़ी हो जाती है और कहती है कि क्या फायदा इसके साथ अंदर जाने का, मैं तो इसके साथ इसलिए आई थी ताकि इसके पिताजी के पास पहुंच पाऊँ, लेकिन मुझे नहीं लगता ये मुझे पहुंचा पाएगी, मुझे खुद ही कुछ करना होगा। गीता वहीं खड़ी होकर सोचती है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, वो जाने लगती है। तभी भूमि उसे पीछे से यूँ हक करती है, कहती है, क्या हुआ, क्या सोच रही हो, चलो ना यार प्लीज। और भूमि उसे यूँ पकड़ के अंदर लेके आ जाती है। गीता को उसका यूँ छूना, करीब आना थोड़ा अजीब सा लग रहा था, पर वो सब बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि उसे भूमि के पिताजी तक पहुंचना था और एक भूमि थी जो उसे पहुंचा सकती थी, इसलिए गीता चुपचाप सोफे पे जाके बैठ जाती है। तो भूमि उसके पास आके बैठती है और बोलती है, अच्छा बताओ कुछ अपने बारे में, क्या तुम ड्रिंक लोगी? जिस पे गीता बोलती है, नहीं, मैंने कभी नहीं पी। तो भूमि बोलती, वाह ग्रेट, तुमने कभी नहीं पी, तो चलो आज तुम्हें मेरे पास पीनी ही पड़ेगी। वो उसको गिलास देती है पर गीता नहीं पीती। भूमि थोड़ा सा उसे फोर्स करती है तो गीता खड़ी हो जाती है कि मैं जा रही हूँ। भूमि बोलती, ओके ओके, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, एक्चुअली मुझे मुझे पीने की परमिशन कभी नहीं मिलती, आज घर नहीं जा रही तो सोचा पी लूँ, और तुम नहीं पियोगी तो मैं कैसे पीऊँगी, अकेला पिया नहीं जाता, इसलिए आई एम सॉरी, मैंने जबरदस्ती की, कोई बात नहीं, मैं अकेले ही पी लूँगी। तो भूमि पीने लगती है, वह एक दो गिलास पीती है तो उसे थोड़ी थोड़ी चढ़ने लगती है। तो गीता उसके हाथ से गिलास लेती है और कहती है कि बहुत ज़्यादा पी लिया और मत पियो। जिसमें भूमि बोलती, कमोन यार, एक ही तो रात मिली आज़ादी की, वो तो जीने दो, कमोन, मेरे डैड मत बनो, हटो यार, मुझे पीनी है। तो भूमि पी रही थी और पीते पीते वो उधर ही लुढ़क जाती है। तो गीता सर पकड़ लेती है कि क्या ने शेरनी लड़की से मेरा पाला पड़ा है, ये मुझे क्या पहुंचाएगी अपने पिताजी के पास, ये तो खुद लुढ़क गई है। तो गीता उसे बोलती, हेलो उठो, क्या नाम था तुम्हारा? भूमि, भूमि उठो ना, तुम्हें घर जाना होगा। भूमि, कमोन, तुम घर नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारे घर कैसे जाऊंगी, मैं क्या करूं? गीता बहुत परेशान हो जाती है, वो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे याद आता है कि वो तो अपनी दोस्त को बता के भी नहीं है, यानी अपनी दीदी को, कि वो कहाँ जा रही है। अब उसे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता भी नहीं पता था और वो भूमि को उस टाइम अकेले फ्लैट में, वो भी नशे के हालत में, छोड़ के जाना भी नहीं चाहती थी क्योंकि उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस किया था और वो नहीं चाहती थी कि भूमि के साथ ऐसा कुछ हो। लेकिन फिर वो सोचे कि यार इसकी प्रॉब्लम है, मैं क्यों सोचूं, वैसे भी मुझे तो इसके पिताजी से अपनी बेटी के बारे में पूछना है ना, मुझे सिर्फ उसके बारे में सोचना है। इसलिए गीता भूमि को उधर ही फ्लैट पे सोफे पे छोड़े हुए फ्लैट से बाहर निकल आती है। वो जैसे ही बाहर आती है तो उसकी नज़र पड़ती है नीचे सीढ़ियों से जो
दो लोग शराब हाथ में लिए ऊपर की तरफ आ रहे हैं। अभी मैं इग्नोर करती हूँ, मैं ज्यादा नोट नहीं करती, और वो सीढ़ियों से नीचे जाने लगती है। और जब थोड़ा भी नीचे आती है तभी उसे भूमि के बारे में याद आता है। भूमि बहुत नशे में, दरवाजा भी खुला हुआ है, ऊपर से दो लड़के हाथों में शराब लिए, नशे के हाथ में ऊपर। कहीं वो भूमि के साथ कुछ गीता घबरा जाती है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ बर्दाश्त किया था। वो नहीं चाहती थी जो उसके साथ गलत हुआ वो किसी और लड़की के साथ हो, इसलिए वो तुरंत ऊपर की तरफ भागती है। और जैसे वो ऊपर आती है, फ्लैट को देखती है, दरवाजा अभी भी खुला था। वो भाग के अंदर जाती है, वो भूमि को देखती है, भूमि बिल्कुल ठीक ठाक थी, अभी भी बस सो रही थी। तो गीता पूरे घर को देखते, पूरे फ्लैट में देखते कि अंदर कोई घुसा तो नहीं, अंदर कोई भी नहीं था। वो तुरंत दरवाजा बंद करती है, अच्छे से लॉक करती है, और भूमि के पास आके बैठ जाती है। गीता बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब थी, वो अभी भी बस अपनी बेटी के बारे में ही सोचती रहती है और घड़ी की तरफ देखती रहती है कि ये लड़की कब उठेगी। गीता भूमि पे थोड़ा पानी डालती है, भूमि भूमि उठो, तुम्हें घर जाना होगा, खमोन उठो भूमि, तुम्हें घर जाना होगा। गीता उसे उठाने की कोशिश करती है, पर भूमि हल्की सी आंखें खोलती है, वो गीता को देखती है और उसके फेस को छूती है। कहती है तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हें देख के लगता है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, तुम इतनी सुंदर क्यों हो यार, मुझे तुम पसंद क्यों आए, मैं तुम्हें क्यों लेके आई, मैं किसी को नहीं लेके आती, जब पिताजी को पता चलेगा ना वो मेरी जान ले लेंगे। छी यार, तुम्हारा पिताजी सुन सुन के ना मेरे मुंह से भी निकल रहा है। डैड प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने नहीं पी। और मम्मी नींद में ऐसे बड़बड़ाने लगती है। यहाँ गीता कहती है कि कैसा बाप है, अपनी बेटी को इतना कंट्रोल करता है। पता नहीं मेरी बेटी के साथ उसने कहा क्या होगा, जो अपनी बेटी को इस हालत में रखता है वो मेरी बेटी को कैसी हालत में रखा होगा, मेरी बेटी को कहाँ भेजा होगा, वो ठीक तो होगी। मम्मी प्लीज उठो, मैं तुम्हारे सामने हाथ छोड़ती हूँ, मुझे मेरी बेटी के पास जाना है, सिर्फ तुम ही पहुँचा सकते हो, प्लीज भूमि उठ जाओ। गीता बहुत ट्राई करती है, पर भूमि फुल नशे में थी, वो उठ नहीं रही थी। गीता उसे उठा के बेड पे भटकती है, और खुद भी उधर ही बैठ जाती क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक गई थी। भूमि उधर ही बेड पे बैठे बैठे सो जाती है, क्योंकि वो सही से सो नहीं पाई थी, बहुत थकी हुई भी थी, इतना चलने की वजह से, इतना कुछ करने की वजह से वो सो जाती है। और अगले दिन जैसे ही गीता की आंख खुलती है तो वो देखती है भूमि वहां पे नहीं है। गीता घबरा जाती है कि कहीं भूमि उसे अकेला छोड़ के तुम चली गई। गीता बाहर भागती है कि भूमि भूमि तुम कहाँ हो, तुम चली गई हो क्या, वो ऐसे बोलते हुए बाहर आती है। तभी भूमि किचन से बोलती है, अरे मैं यहाँ हूँ किचन में, कॉफी बना रही हूँ, यार मेरा सर फट रहा है, क्यों मैंने रात को इतनी पी। गीता घबराते हुए भूमि के पास जाती है, उसे लगा था कि भूमि उसे छोड़ के चली गई है, पर सामने भूमि को देख के उसको गहरी सांस आती है, और उसे अपनी बेटी तक पहुंचने का एक ही जरिया दिखता है। वो खुशी के मारे भूमि को हग करती है, कहती मुझे छोड़ के नहीं गई, मैं डर गई थी, मुझे लगा तुम मुझे छोड़ के चली गई हो। तभी भूमि यूं गीता को पूछे करती है, उसके आंसू पोछे, कहती गीता तुम्हें क्या हो गया, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं गई, ओके शांत, सब ठीक है, मैं इधर ही हूँ तुम्हारे पास। तुम मुझे खोने से इतना डर गई, हम तो कल ही मिले थे ना, तुम इतनी ज्यादा पसंद आ गई क्या, अच्छा बताओ ना तुम्हें मुझ में क्या पसंद है। भूमि ऐसे बोली जा रही थी, पर गीता कुछ भी नहीं सुन रही थी, वो बस भूमि को खुशी के मारे देख रही थी कि चलो अब मैं मेरी बेटी तक पहुंच पाऊंगी। तभी भूमि कहती है तुम कॉफी पियोगी, गीता बोलती हाँ हाँ, तो भूमि बोलती ओके ग्रेट मैं बनाती हूँ। गीता ने तो ऐसे क्वेश्चन मार्क वाला हाँ बोला था, पर भूमि को लगा था कि उसने हाँ बोला। वो कॉफी बनाती और गीता को देती है, कॉफी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बहुत कड़वी थी। जैसे गीता एक घूंट भरती है तो वो ऐसे करके निकाल देती है। भूमि हंसती है, कहती क्या तुमने पहली बार कॉफी पिया है क्या, तो भूमि चुप हो जाती है, कुछ भी नहीं बोलती। गीता बोलती अच्छा तो तुम घर कब जाओगी, तो भूमि बोलती क्यों, गीता बोलती वो तो तुम्हारे तुम्हारे पिता आई मीन तुम्हारे डैड, भूमि बोलती है हे लीला तुम पिताजी बोल सकती हो, गीता बोलती नहीं वो तुम्हारे डैड गुस्सा करेंगे ना अगर तुम घर नहीं जाओगी तो, बोलती हाँ करेंगे तो सही, पर मैं बहुत हैंगओवर हो रहा है, मेरा कहीं जाने का मन नहीं है, मन तो करा इधर ही रहो, यहाँ कितना सुकून है, ना किसी की चिक चिक ना कुछ, आराम से जब तक सो जो मर्जी करो, ना काम का प्रेशर ना कुछ। और तो गीता बोलती काम तुम काम करती हो, भूमि बोलती हाँ जीने के लिए काम तो सबको ही करना पड़ता है, और इतने महान लॉयर की बेटियों ने के नाते मेरा तो कुछ और ही प्रेशर है मुझ पे काम का, क्या ही बताऊँ। गीता बोलती लॉयर, तो बोलती हाँ मेरे पिताजी बहुत बड़े लॉयर हैं। गीता बोलती वो किस किस चीज़ के लॉयर हैं, तो कहती क्या मतलब, तो गीता बोलती अब वो अलग अलग लॉयर होते हैं ना, कुछ कुछ तलाक कराते हैं और कुछ क्या कराते हैं, कुछ क्या क्या कराते हैं, तुम्हारे पिताजी क्या कराते हैं। वो बोलती ओ मेरे पिताजी वो तो क्रिमिनल लॉयर है, तो बोलती क्रिमिनल लॉयर, तो बोलती हाँ वो क्रिमिनल लॉयर है। तो गीता बोलती ओके ओके,
तो गीता सोच में पड़ जाती है क्योंकि उसे कुछ भी नहीं पता था क्रिमिनल लॉयर होता क्या है, उसे नहीं पता था। वो बेचारी सोच में बैठ जाती कि है कौन, और ऐसे सोच में बैठी होती है तभी भूमि जो है वो गीता के पास आती है और उसके चिक्स पे किस करती है। तो तुम बहुत स्वीट हो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मुझसे पूछो ना। जिसपे भूमि की बात सुन के गीता होती, मेरे मेरे मन में तो कुछ नहीं चल रहा। तो भूमि होती, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो यार, तुम इतना कैसे, मतलब इतनी नर्वस होकर बोलती हो ना तब भी बहुत क्यूट लगती है, पर तुम इतनी नर्वस क्यों हो मुझसे, मुझसे डर लगता है क्या। गीता नाम ही सर हिलाती है, भूमि होती सोच रहे हो तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। गीता फिर से नाम ही सर हिलाती है, तो भूमि गीता के थोड़े से करीब आके बैठती कहती अब, तो भूमि गीता के और ज़्यादा करीब आके बैठती और कहती अब। जिस पर गीता थोड़ा सा नर्वस हो जाती है, भूमि थोड़ा और करीब होती है, वो गीता के फेस को टच करती है, उसके बालों को साइड करती है और कहती है कि मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती, और ऐसे बोल के पीछे हो जाती है। जिस पर गीता ऐसे भूमि को देखती है और कहती है कि क्या भूमि बती तुम मुझे पसंद नहीं करती ना, तो फिर तुम कल मेरे पीछे क्यों आई थी, और तुम मुझे यहाँ छोड़ के जा भी सकती थी, तुम क्यों नहीं गए। जिस पे गीता कुछ भी नहीं बोलती, भूमि बोलती बताओ ना तुम मेरे साथ क्यों आई, क्या क्या कोई इसके पीछे कोई और रीज़न है। जिस पे गीता बोलती नहीं वो मैं बस पसंद करती हूँ ना इसलिए। भूमि बोलती अगर तुम मुझे पसंद करती होती तो मुझसे इतना दूर नहीं होती, घबराती नहीं। जिस पे गीता कुछ भी नहीं बोल पाती और भूमि बोलती ओके ठीक है कोई बात नहीं मैं घर जा रही हूँ तुम्हें कहीं छोड़ दूँ। जिस पे गीता बोलती घर घर जा रही हो जहाँ तुम्हारे पिताजी हैं, तो बोलती हाँ घर जा रही हूँ जहाँ मेरे पिताजी हैं और तुम्हें कहाँ छोड़ूँ। जिस पे गीता बोलती मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, भूमि बोलती नहीं बिल्कुल भी नहीं। गीता बोलती पर क्यों, भूमि बोलती क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करती। जिस पे गीता बोलती मैं तो पसंद करती हूँ, तो भूमि हंसते हुए कहती अच्छा ठीक है मुझे पता है तुम घर से भागी हुई हो, तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं है, फिर तुम्हें मैं दिखी और तुम्हें लगा कि शायद तुम्हें रहने की जगह मिल गई इससे तुम मेरे साथ रहने चाहते हो राइट। तो गीता चुप हो जाती है, वो कुछ भी नहीं बोलती। भूमि बोलती है ठीक है ये लो फ्लैट की चाबी, तुम जब जब चाहो जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, ये मेरे दोस्त का फ्लैट है तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकालेगा, और फ्रिज भरा पड़ा है चीज़ों से, जो भी खाने का मन हो वो सब है, तुम जब तक चाहो यहाँ पे रहो ओके। लेकिन सिर्फ वो जगह के लिए झूठ मत बोलो कि तुम मुझे पसंद करती हो, तुम्हें देख के साफ लगता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, तो ठीक है अब मुझे जाना होगा, लेकिन थोड़ा सा बुरा लगा कि तुम्हें मैं पसंद नहीं आई, पर कोई बात नहीं चलता है। भूमि दरवाज़ा बंद करती है बाहर चली जाती है। यहाँ गीता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि उसे यहाँ रहने की जगह नहीं चाहिए, उसे तो बस भूमि के साथ उसके घर जाना था। वो बहुत परेशान हो जाती है, मैं क्या करूँगी, लड़की भी चली गई, एक यही रास्ता थी जो मुझे इसके पिताजी तक लेके जा सकती थी, मैं इसके पिताजी को कहाँ ढूंढूंगी, मुझे तो पता भी नहीं वो रहते कहाँ हैं, ना ही उनका नाम पता है, मैंने क्या किया, मैंने क्या कर दिया, मैं अपनी बेटी को कैसे ढूंढूंगी, उसे कभी नहीं ढूंढ पाऊंगी। गीता ऐसे बहुत ज़्यादा रोने लगती है, तभी भूमि वापस आती होगी थी, ओ सॉरी मैं अपना जैकेट, तो वो देखती है गीता रो रही है, भूमि उसके पास आती थी, हे कि गीता तुम्हें क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। गीता भूमि को देखती है और रोते हुए से हक लेते, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज मुझे अपने साथ रहने दो, और ऐसे ही रोने लगती है। भूमि उसे शांत करती है, ठीक है तुम्हें मेरे साथ रहना है ना, ओके तुम मेरे साथ रह सकते हो, पर रोना तो बंद करो, तो तुम रो क्यों रही हो। जिस पे भूमि उसके आंसू पोंछती है, और ये पहली बार था कि गीता रो रही थी और कोई उसके आंसू पोंछ रहा था, किसी को उसके रोने से फर्क पड़ रहा था, इसलिए गीता अब सच में दुर्गा को बहुत ही ज़्यादा प्यार से देख रही थी। और भूमि उसके आंसू पोंछती है, उसके आंखों में आंखें डाल के कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ रहना है ना, तुम रहो ना, तुम्हें कौन मना कर रहा है, पर समझो मैं तुम्हें घर नहीं लेके जा सकती, अभी मेरे मेरे डैड घर है और वो भी मुझ पर बहुत गुस्सा होंगे क्योंकि मैं रात भर घर नहीं गई, तुम बस अभी यहाँ रह लो, मैं थोड़ी देर में तुम्हें आके ले जाऊंगी, शाम में पक्का, तब तक तुम यहाँ रहो, जो खाना खाओ, टीवी है टीवी देखो, जो करना है करो ओके, बस शाम तक, हाँ शाम में मैं तुम्हें लेके जाऊंगी ओके, प्लीज अब रोना नहीं हाँ, और एक काम करो मैं तुम्हें अपना नंबर दे देती हूँ, तुम मुझे कॉल करती रहना। जिस पे गीता बोलती मेरे पास फोन नहीं है, भूमि बोलती क्या तुम्हारे पास फोन नहीं है, तो गीता चुप हो जाती, भूमि बोलती अच्छा ठीक है तुम रुको मैं भी आती हूँ। भूमि जाने लगती है तो गीता उसके पीछे से हाथ पकड़ लेती है, भूमि बोलती क्या हुआ, गीता बोलती मुझे साथ लेके जाओ, भूमि बोलती अरे मैं तो बस बाहर तक, अच्छा ठीक है आओ, तो भूमि गीता का हाथ पकड़ लेती है और एकदम ना बच्चों की तरह उसका ट्रीट कर लेती,
उसका हाथ थाम लेती है और उसे लिफ्ट में लेके जाती है। भूमि आज से पहले कभी भी गीता जैसी मासूम लड़की से नहीं मिली थी, इसलिए वो गीता को बहुत ही ज़्यादा प्यार से देखने लगती है। और यहाँ जैसे ही भूमि लिफ्ट का बटन दबाती है, लिफ्ट बंद होती है, तो गीता थोड़ा घबराने लगती है। भूमि को तो क्या हुआ, पर गीता चुप हो जाती है। जैसे लिफ्ट चलती है गीता बहुत ज़्यादा डर जाती है और भूमि को ही पकड़ लेती है। भूमि कहती है, क्या क्या तुम्हें लिफ्ट से डर लगता है? गीता बोलती है, हाँ मम्मी मुझे मुझे डर लग रहा है। तो भूमि उसे वहाँ हक कर लेती है, उसके बालों में हाथ फेरती है, बोलती शांत हो जाओ चलिए, तो कोई बात नहीं, बस 2 मिनट हैं, अभी लिफ्ट खुल जाएगी, कोई बात नहीं, हाँ कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तभी लिफ्ट खुल जाती है और जैसे लिफ्ट खुलती है गीता खुद ही भूमि से दूर हो जाती है। भूमि मुस्कराते हुए कहती हमें उस तरफ जाना है, चले गीता बोलती। और फिर भूमि गीता को लेकर बाहर आ जाती है। वहीं बाहर में एक छोटी सी शॉप थी, वहाँ पे भूमि जो है वो गीता के लिए एक छोटा सा मोबाइल देती है और उस मोबाइल में अपना नंबर सेव कर देती है और पैकेज वगैरह सब कुछ लगा देती है कि लो इसमें पैकेज वगैरह है। अब ये ना कहना कि तुम्हें मोबाइल यूज़ करना नहीं आता, जिस पर गीता बोलती नहीं मुझे 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 ये आता है। भूमि बोलती गुड, तो भूमि उसे समझाती है कि हाँ मेरा नंबर खड़ा है, तो मुझे कॉल कर देना, ओके अब तुम जाओ ऊपर। तो गीता बोलते मैं ऊपर कैसे जाऊँगी? भूमि बोलती उफ यार गीता ठीक है चलो मैं तुम्हें छोड़ के आती हूँ। और फिर भूमि उसे वापस फ्लैट में छोड़ के आती है। और जैसे ही फ्लैट से बाहर जाने लगती है वो गीता को बोलती है दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लो, कोई भी आए दरवाज़ा मत खोलना जब तक मैं ना हूँ, ओके? गीता बोलती ठीक ठीक है ओके। भूमि बोलती ठीक है ग्रेट, तो मुझे कॉल करना आता है ना? गीता बोलती भूमि बोलती ठीक है, खाना फ्रिज में रखा है खा लेना। उसके बाद भूमि जो है वो अपने घर चली जाती है। वो जैसे घर जाती है उसके डैड पहले से वहाँ बैठे थे, गुस्से में भूमि को देख के आते हैं और डांटना स्टार्ट कर देते हैं। भूमि बोलती है डैड मैं कोई बच्ची तो नहीं हूँ, आप मुझे इतने बच्चों की तरह ट्रीट क्यों करते हो? वो बोलते क्योंकि तुम जितनी मर्जी बड़ी हो जाओ मेरे लिए तुम बच्ची ही हो, तुम जानती भी हो तुम्हारी माँ के बगैर मैंने तुम्हें पाला है, अकेले एक लड़की को पालना कितना मुश्किल है और तुम मेरे एफर्ट्स कभी समझ ही नहीं सकती। वो भूमि को बहुत ज़्यादा सुनाने लगते हैं, भूमि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है और रूम में चली जाती है। वो रूम में जाके रोने लगती है, उसके डैड की सारी बातें उसके दिमाग में गूंजने लगती है। बचपन से तक वो डैड की यही बातें सुनती आ रही है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसके डैड एक एक बात जताते हैं जैसे उसने उन्हें कोई एहसान किया हो। और वो कहती है हर डैड अपने बेटे के लिए ये करता ही है पर मेरे डैड हमेशा मेरे लिए सब कुछ करते हैं पर हमेशा जताते हैं और मुझे कंट्रोल करते हैं। ऐसा क्यों, मुझे कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं? वो समझते क्यों नहीं है मैं एक इंसान हूँ, कोई रोबोट नहीं जो उनके इशारों पे नाचता रहे। भूमि बहुत अपसेट होती है और रोने लगती है। और वहाँ गीता, उसे यहाँ से बाहर जाना था क्योंकि उसे अपनी दी से मिलना था, उसके बच्चे से मिलना था, उन्हें बताना था कि वो सेफ है। तो वो घर से बाहर जाना चाहती थी पर वो घर से बाहर जा नहीं पाती क्योंकि उसे पता था अगर वो निकल गई तो शायद यहाँ तक वापस पहुँच ना पाए, वो रास्ता भूल जाएगी, भटक जाएगी। वो भूमि को कॉल लगाती है, भूमि बहुत ज़्यादा रो रही थी पर नंबर दे के वो समझ जाती है कि गीता का नंबर है। वो सोचती है शायद गीता किसी मुसीबत में होगी तभी उसने मुझे कॉल किया। तो वो तुरंत कॉल उठाती है और रोते हुए आवाज़ में बोलती है हाँ हाँ गीता क्या हुआ, तुम ठीक हो, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? जिस पर गीता समझ जाती है कि भूमि रो रही है, वो कहती आप रो रही हो? भूमि बोलती नहीं मैं भला क्यों रहूँगी, तुम बिना कुछ भी कि क्या तुम्हें चाहिए, तुमने फ़ोन क्यों किया, कुछ चाहिए तुम्हें? जिस पे गीता बोलती हाँ वो मुझे मुझे बाहर जाना था। भूमि बोलती बाहर पर क्यों? गीता बोलती मुझे अंदर अच्छा नहीं लग रहा, मैं बाहर जाऊँ? तो भूमि बोलती बाहर जाने के लिए मुझे फ़ोन क्यों किया, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें लेके जाऊँ? गीता बोलती नहीं मैं वो मुझे मुझे यहाँ का रास्ता नहीं आता, मैं भटक गई तो मैं वापस कैसे आऊँगी? जिस पे भूमि हंसते हुए कहती है ठीक है तुम्हें जहाँ जाना है चली जाओ और जब वापस आना होगा मुझे कॉल कर लेना मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगी। गीता बोलती ठीक ठीक है अब रोना मत। भूमि हंसती है और कहती है चलो कोई तो है जिसे मेरे रोने से फर्क पड़ता है। यहाँ भूमि हंसने लग जाती है क्योंकि उसने भी यही बात सोची थी जब गीता रो रही थी और भूमि ने उसके आंसू पहुँचे थे। तो भूमि बोलती तुम हंस क्यों रही हो? गीता बोलती कुछ नहीं मुझे मुझे जाना है मैं रखूँ? भूमि बोलती ठीक है चलो तुमने कुछ खाया? गीता बोलती नहीं। भूमि बोलती बोला था ना फ्रिज में खाना पड़ा है खा लो। गीता बोलती तो गीता खाना खा लेती है और अपनी दोस्त के लिए और उसके बच्ची के लिए थोड़ा सा खाना ले लेती है। वो वहाँ से बाहर आ जाती है और सोचने लगती है कि यहाँ से उस जगह पे कैसे ही जाएंगे। तभी वो
एक ऑटो वाले से पूछती है वहां का एड्रेस। ऑटो वाला कहता है बैठ जाओ मैं छोड़ दूंगा, पर गीता के पास पैसे नहीं थे। वो ऑटो में बैठ जाती तो पैसे कहाँ से भरती, इसलिए वो उसमें नहीं बैठती और पैदल चलने लगती है। और उसे 2 घंटे पैदल चलने चलते लग जाते हैं। 2 घंटों बाद वो फाइनली उधर पहुंच जाती है और वहां पे उसकी दीदी और उसकी बच्ची उसका इंतजार कर रहे थे, जो उसे देख के खुश हो जाते हैं और रोने भी लगते हैं कि कहाँ थी मैं, बहुत परेशान हो गई थी। जिस पे गीता बोलती है कि मुझे मुझे एक सहारा मिल गया है, कोई इंसान मिल गया जिस जिसके जरिए मैं अपनी बेटी तक शायद पहुंच सकती हूँ। बस मैं उधर ही हूँ, तुम परेशान मत हो, मुझे रहने की जगह भी मिल गई है। तुम यहाँ क्या कैसे, तुम कहाँ सोई थी? वो थी इधर ही तो सोई थी। तो वो थी ठीक है मैं खाना लाई हूँ, पहले खाना खा लो। तो वो दोनों को खाना खिलाती है, बच्ची भी बहुत ज़्यादा भूखी थी। गीता बोलती ऐसे कब तक चलेगा, हम बच्ची को खाना कैसे देंगे, रोड पे सोना सही नहीं, अब हम क्या करें? जिस पे वो कहती है कि मैंने मेरे भाई को कॉल किया, उसने बोला वो मुझे लेने आ रहा है और उसे कोई कोई दिक्कत नहीं है मुझसे, मैं कहाँ थी क्या थी वो कुछ नहीं जानना चाहता, उसे बस मैं चाहिए, वो मुझसे बहुत प्यार करता था, वो मुझे ज़रूर अपना लेगा। जिस पे गीता बोलती है काश ऐसे ही हो, पर जानती हो ना ये बहुत मुश्किल है, वो जैसे सब कुछ जानेगा वो छोड़ के चला जाएगा। जिस पे वो रोने लगती है, दीदी और बोलती ऐसे तो मत बोलो, वो भाई है मेरा, वो मुझे बहुत चाहता है, वो मुझे लेके जाएगा। तभी थोड़ी देर में वहाँ पे उस लड़की का भाई आ जाता है, वो अपनी बहन को इतने सालों बाद देख के बहुत खुश होता है और उसे हग करता है। वो अपनी दीदी से थोड़ा सा ही बड़ा था, तो उसे हग करता है और कहता है कि दीदी तुम कहाँ थी इतने साल, तुम घर चलो मेरे साथ। तो वो रोने लगती है और सब कुछ बता देती है, मुझे इस तरह किडनैप करके लेके गए थे और एक कोठे पे रखा था, और ये मेरी बेटी है, इसी के लिए मैं इतने साल तक भाग नहीं पाई, और अब जब ये मिल गई तो मैं वहां से भाग गई हूँ। ये सुन के वो बहुत ज्यादा रोने लगते हैं कि आपने इतनी तकलीफ कैसे सह ली दीदी। तो दीदी तुम्हें कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है? तुम्हें बोलते हैं नहीं, तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हें ऐसे हाल में नहीं छोड़ सकता, चलो हम घर चलते हैं। तो बोलते और माँ माँ और पिताजी बोलते हैं, माँ और पिताजी को गुजरे हुए तो 2 साल हो गए दीदी, वो सारी जिंदगी बस आपको ही ढूंढते रहे और ढूंढते ढूंढते चल बसे, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। और तभी वो उस बच्ची को भी उठा लेता है कि याद से ये मेरी बच्ची है, चलो घर चलते हैं, और ऐसे ही उन लोगों को घर लेके जाने लगता है। तभी वो गीता की तरफ देखती है, उसे कहती है गीता तुम भी मेरे साथ चलो। गीता बोलती कैसी बातें कर रही हो दीदी, मुझे मेरी बच्ची को ढूंढना है, मैं उसे लिए बगैर कहीं नहीं जा सकती। तभी वो उस लड़के को देखती है और वो पढ़ा लिखा लग रहा था। गीता उसे कहती है क्या तुम पढ़े लिखे हो? वो बोलता हाँ मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ। गीता बोलती है क्या तुम मुझे बता सकते हो ये क्रिमिनल लॉयर क्या होता है? तो बोलता है हाँ आपको इतना भी नहीं पता? वो तो नहीं मुझे नहीं पता, मुझे बताओगे ये क्रिमिनल लॉयर क्या होता है? तो बोलते हैं हाँ क्रिमिनल लॉयर वो उनका लॉयर होता है ना, अरे क्या बोलते हैं वो, जो क्या बोलते हैं हिंदी में दीदी मुझे याद नहीं आ रहा, वो होते हैं ना जो 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 जिन्होंने कोई जुर्म किया हो, जैसे किसी ने कत्ल किया हो, कोई बड़े बड़े केस होते हैं ना मुजरिम वाले, उनका लॉयर होता है ये। बोलते अच्छा ठीक है, ये क्रिमिनल लॉयर जो होता है वो खुद गलत काम करता है? तो होते हैं नहीं क्रिमिनल लॉयर तो कोई गलत काम नहीं करता, वो तो उल्टा जो गलत काम करते हैं उनको सजा दिलवाता है। तो बोलते अच्छा तो भी वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो वह कहते हैं आप किसकी बात कर रहे हो, क्या मैं कोई हेल्प करूँ आपकी? जिससे वो कहते हैं हेल्प तुम कर सकते हो मेरी हेल्प? तो बोलता हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं इसी शहर में रहता हूँ। जिस पे अब गीता बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि चलो जब जरूरत पड़ेगी ये हेल्प कर लेगा। गीता बोलते तुम मुझे अपना नंबर दोगे? बोलता हाँ। तो वो उसे अपना नंबर दे देता है और बोलता है कि आपने इतने सालों तक मेरी दीदी का ख्याल रखा, आपको जो भी जरूरत होगी आप मुझे बोलना, मैं आपकी मदद करूँगा, आप मेरे साथ घर चलो ना। जिस पे गीता बोलती है नहीं मैं घर नहीं जा सकती, तुम बस अपनी दीदी का और उसका ख्याल रखना, हाँ और अब जाओ। तो वो उन्हें लेके चला जाता है और गीता परेशान हो जाती है, वो वापस घर कैसे जाएगी? उसे अब रास्ता पूरी तरह से याद नहीं था, आधा रास्ता तो वो कर लेती है, उसे जितना आता था उतना तो वो कर लेती है, अब बाकी उसे रास्ता नहीं आ रहा था। तभी उसे भूमि की याद आती है, पर वो सोचते हैं कि नहीं उसे परेशान करना ठीक नहीं, वो खुद ही चलती रहती है और चलते चलते वो बहुत थक जाती है, एक जगह पे बैठ जाती है और उसका मोबाइल जो है वो उसे देखती है और कॉल लगाने लगती है, लेकिन उसने मोबाइल चार्ज नहीं किया था जबकि भूमि ने बोला था इसे चार्ज करना, इसलिए मोबाइल बंद हो चुका था। गीता रोने लगती है क्योंकि मोबाइल उसका चार्ज नहीं था, वो भूमि को कॉल भी नहीं लगा सकती। वहाँ भूमि गीता से मिलने के लिए घर जाती है, पर देखते हैं कि गीता अभी तक घर नहीं आई, भूमि कॉल लगाती है, कॉल बंद जा रहा था। भूमि परेशान हो जाती है कि गीता ने मुझे कॉल क्यों नहीं किया और वो कहाँ है, नंबर क्यों बन जा रहा है। वो गीता को ढूंढने के लिए बाहर निकलती है, पर काफ़ी देर ढूंढने के बाद जब गीता नहीं निकलती नहीं मिलती उसे, तो वो भूमि जो है वो
तुरंत किसी को कॉल लगाती है और गीता का नंबर ट्रेस करवाती है। जैसे नंबर ट्रेस होता है, भूमि गीता को लेने के लिए वहां पे पहुंच जाती है। गीता वहां बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, रात हो गई थी और वो रोड पे बैठी थी, और बहुत से शराबी वहां से गुजर रहे थे जो गीता को बहुत बुरी नजर से देख रहे थे। और गीता के साथ पहले बहुत बुरा हुआ, तब दोबारा वो सब वो फेस नहीं करना चाहती, इसलिए बहुत डरी हुई और सहमी हुई बैठी थी। और दो लड़के तो उसके आस पास ही घूम रहे थे, उसे अकेला देख के उसके साथ लाइन मारने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहां भूमि अपनी गाड़ी पे आ जाती है। वो जैसे गाड़ी रोकती है तो लाइट सीधा गीता की आंखों पे जाती है, गीता यूं हाथ रखती है। तभी भूमि गाड़ी से भागते हुए गीता के सामने आके खड़ी हो जाती है। गीता आंखें खोलती है तो भूमि अब उसके सामने खड़ी थी। भूमि बोलती है, क्या तुम ठीक हो, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। गीता भूमि को देखती है तो बहुत ज्यादा खुशी होती है और रोने लगती है और भूमि को हग कर लेती है। तुम आ गई, मैं बहुत घबरा गई थी, मेरा मेरा फोन बंद हो गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं घर कैसे जाऊँ, मुझे रास्ता भी नहीं आ रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा था। और ये दोनों कब से यहाँ पे घूम रहे थे, मुझे देख रहे थे, मैं बहुत डर गई थी। जिस पे भूमि थी, हे गीता 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 शांत हो जाओ, सब ठीक है, देखो मैं आ गई ना, जो चलो हमें चलना है यहाँ से, ओके। तो भूमि गीता को गाड़ी में बैठाती है और सीधा दोस्त के ही फ्लैट पर लेके आ जाती है। यहाँ गीता भूमि को बोलती है, तुम मुझे अपने घर क्यों नहीं लेके जाती। भूमि होती, तुम्हें मेरे घर क्यों जाना है। गीता बोलती, क्योंकि मुझे डर लगता है यहाँ पे। भूमि बोलती, पर तुम्हें यहाँ डर क्यों लगता है। गीता बोलती, क्योंकि यहाँ पे दो लड़के हमेशा हाथ में शराब लिए घूमते रहते हैं और मुझे उन्हें देख के बहुत डर लगता है। गीता ऐसे रोने लगती है और कहती, पर तुम्हें डर क्यों लगता है, वो तो फ्लैट के बाहर है, अंदर थोड़ी। गीता बोलती, और अंदर आ गए तो मेरे साथ कुछ कर दिया तो मुझे मुझे बहुत डर लगता है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाना है। जिस पर भूमि बोलती, ओके ओके शांत हो जाओ। भूमि गीता को हग कर दिया, गीता को शांत करा दिया। गीता को यहाँ पे डर भी लग रहा था, पर असल में वो सिर्फ से भूमि के घर जाना चाह रही थी, इसलिए उसने ये सब बोला था। भूमि मान जाती है, वो गीता को बोलती है, पहले कुछ खा लेते हैं फिर मेरे घर चलते हैं। जिस पर गीता बोलती, नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे घर लेके जाओ, और ऐसे चिल्लाने लगती है। भूमि बोलती, तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो। तो गीता बोलती, नहीं मैं तो बस कह रही हूँ, मुझे आप अपने घर लेके जाओ। भूमि बोलती, और मैं मेरे मेरे डैड को क्या बोलूँगी कि तुम कौन हो। तो गीता चुप हो जाती है। भूमि हंसती है और कहती है, ठीक है बोल दूंगी, तुम मेरी फ्रेंड हो, अब चलो। तो फिर भूमि गीता का हाथ पकड़ती है और उसे फ्लैट से नीचे लेके आती है, और फिर से उसे मतलब लिफ्ट में लेके नहीं आती क्योंकि वो जानती थी वो डरती है, इसलिए उसे स्टेयर से लेके आती है। और गीता को बहुत अच्छी लगती है, भूमि उस पर इतना ख्याल भी रख रही थी। या फिर भूमि उसके लिए दरवाज़ा खोलती है, गाड़ी में बिठाती है और घर लेके आ जाती है। गीता जैसे भूमि के घर आती है, उसका घर देखती है, भूमि का घर बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। और गीता उस घर को देखती है और कहती है कि इसका मतलब इसके पिताजी गलत काम करते हैं, अच्छे काम करके कोई इतना पैसा नहीं कमा सकता, मतलब वो मासूम बच्चियों को बेचते हैं और पैसा कमाते हैं और वो सारा पैसा अपने घर पर लगाते हैं। और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी ये सब सोच के, उसे बहुत बहुत परेशानी हो रही थी, अपनी बेटी के बारे में सोच सोच के पागल हो रही थी वो। और गीता उसे कहती है कि तुम्हारे पिताजी कहीं नहीं है, तो बोलती है शायद वो भी घर पे नहीं है, चलो मैं तुम्हें मेरे रूम दिखाती हूँ। भूमि उसे रूम में लेके जाती है और कहती है, प्लीज़ गीता जब तक मैं ना बोलूँ तुम इस रूम से बाहर मत निकलना, ओके। और भूमि ऐसे बोल के बाहर जाती है देखने के लिए कि उसके पिताजी घर हैं या नहीं, पर वो अंदर आते ही थे थैंक गॉड और डैड घर पे नहीं है, बच्चा तो गई। तो बोलती तुम्हारे डैड घर पे नहीं है। भूमि बोलती नहीं। गीता बोलती तो वो कब आएंगे। भूमि बोलती तुम्हें इतनी जल्दी क्यों, मैं डैड को देखने गई। हाँ तुम यहाँ मेरे लिए आए हो या फिर मेरे डैड के लिए। तो गीता एकदम चुप हो जाती है और वो मन में सोच लेती है कि अब मैं इसके पिताजी के बारे में कुछ नहीं पूछूंगी, वरना इसे शक हो जाएगा कि मैं इसके लिए नहीं उसके पिताजी के लिए आई हूँ। और तभी गीता जो है वो यो आराम से चुपचाप ना बैठ जाती है, भूमि से देखती है और कहती है, क्या तुम शावर लोगी। गीता बोलती हाँ क्या। भूमि बोलती तुम्हें नहाना है। तो गीता बोलती नहाना, हाँ हाँ। भूमि बोलती अच्छा मैं तुम्हें कपड़े देती हूँ, तुम नहा लो, ओके। तो भूमि अपने कपड़े देते हैं, लो ये लो और जाओ नहाओ। तो गीता उन कपड़ों को देखती है, वो कपड़े जो है वो मतलब पैंट और शर्ट थी। तो गीता उसे देखते हो कहती क्या ये पहनूँ। भूमि बोलती हाँ अच्छा मैं कुछ और देती। तो उसे अपनी नाइटी उठा के दे देती है। गीता बोलती मैं आती हूँ। गीता अंदर वॉशरूम में जाती है, पर वो ना मतलब बहुत ही अच्छा वॉशरूम था, फुल लग्जरी, और गीता को तो मतलब ऑन करना भी नहीं आया था, शावर ऑन कैसे होगा। तो वो एकदम ऐसे खड़ी थी, ऑन कैसे होगा। और कहती भूमि ये पानी नहीं आ रहा है, देखो नहीं खराब हो गया है क्या।
मोमबत्ती क्या? अच्छा मैं आती हूँ। भूमि दरवाजा खोलती और अंदर आती है। गीता शावर के नीचे ही खड़ी थी। भूमि से कहती है, अच्छा हटो मुझे देखने दो। भूमि जरा से गीता को साइड पे करती है और शावर ऑन हो करती है। शावर ऑन हो जाता है और गीता पूरी तरह से भीग जाती है और कहती है, क्या किया? मोमबत्ती, अरे तुमने बोला ना ऑन करना है तो मैंने तो बस ऑन किया। अच्छा देखो, ये यहाँ से ऊपर करोगी तो ऑन हो जाएगा, नीचे करोगी तो उसको ऑफ हो जाएगा, ठीक है? और इधर से गर्म पानी आएगा और यहाँ से ठंडा पानी आएगा, तुम्हें समझ आया? गीता बोलती, नहीं फिर से बोलो। मोमबत्ती, अच्छा ठीक है शांत हो जाओ। यहाँ से गर्म पानी आता है, उससे ठंडा आ जाता है और इसको पकड़ के ऊपर की तरफ करोगी तो क्या होगा? तो बोलती, क्या होगा? बोलती, अरे अभी बोला ऑन हो जाएगा और नीचे करोगी तो बंद हो जाएगा। गीता बोलती, हाँ ठीक है। तो भूमि जाने लगती है। जब वो जा रही थी तो मुड़ के गीता को देखती है। गीता बुरी तरह से भीगी हुई थी, उसके बाल भीगे हुए उसके मुँह पे आ रहे थे। तो भूमि हल्का सा पीछे होती है, उसके बालों को साइड पे करती है और कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती पर फिर भी मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। और ऐसे ही बोल के भूमि बाहर चली जाती है। गीता पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है, उसे समझ नहीं आता भूमि उसे पसंद क्यों करती है और बार बार उसको छूती क्यों है। गीता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता भूमि का बार बार उसे छूना और उसे बोलना कि उसे पसंद करती है। गीता को बुरा भी लग रहा था क्योंकि भूमि बहुत अच्छी थी और गीता सिर्फ उसे अपने मकसद के लिए यूज़ कर रही थी, उसके पिताजी तक पहुँचने के लिए। लेकिन अब गीता सोचती है कि कोई बात नहीं, उसने भी तो मेरी बेटी का इस्तेमाल किया, अगर मैंने उसकी बेटी का इस्तेमाल किया तो इसमें क्या गलत है? मैं इसके साथ कुछ गलत भी नहीं कर रही हूँ तो मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। और फिर गीता जो है वो नहाती है और नहाने के बाद जब वो नाइटी देखती है तो वो चौंक जाती है, क्योंकि मतलब वो नाइटी थी थोड़ी छोटी सी थी तो वो उसको पहनती है और बाहर आ जाती है। जब वो पहन के बाहर आती है वो थोड़ी अनकंफर्टेबल थी, उसने पहले भी शॉर्ट कपड़े पहने थे बट मर्दों के सामने, इस तरह थोड़ा इसके सामने से थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर जैसे ही गीता बाहर आती है भूमि गीता को देखती है बस देखती रह जाती है, क्योंकि गीता बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। उसने रेड कलर की नाइटी पहनी हुई थी और बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रही थी, उसकी लेग्स साफ दिख रही थी। भूमि उसको ऊपर से लेके नीचे तक देखती है, फिर नज़रें चुरा लेती है, दूसरी तरफ मुँह करती रहती, नहीं मुझे उसे नहीं देखना, मुझे मैं क्यों देखूं उसे, मुझे नहीं देखना। तभी गीता बेड पे आके बैठ जाती है। भूमि बोलती, तुम ऐसे बैठी क्यों, जाओ अपने बाल बाल फ्राई कर लो। गीता बोलती, हाँ कैसे कैसे करते हैं? भूमि बोलती, उफ यार तुम्हें बाल फ्राई करने नहीं आते, चलो कैसी लड़की हो तुम, चलो मैं सिखाती हूँ। तो भूमि गीता को चेयर पे बिठाती है ड्रेसिंग के सामने। गीता खुद को शीशे में देख रही थी और भूमि उसके बालों को यूं छूती है, उसके बालों की स्मेल उफ बहुत ही कातिलाना थी। भूमि तो फुल फ्लैट हो चुकी थी हमारी गीता पे, लेकिन यार गीता तो कुछ और ही चल रहा था उसके माइंड में। वो खुद को मिरर में देख रही थी और अपनी बच्ची के बारे में सोच रही थी। वो कहती है, उसकी आंखें बिल्कुल मेरे जैसी है ना, और नाक भी बिल्कुल मेरे जैसा। और गीता मुस्कुरा रही थी। भूमि बोलती, अरे तुम मुस्कुराती भी हो? तो गीता बोलती, हाँ क्या? भूमि बोलती, पता नहीं तुम कहाँ खोई रहती हो, हर टाइम तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है ना। गीता बोलती, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। भूमि बोलती, ठीक है। और फिर भूमि ऐसे गीता के बाल ड्राई करती है, उसके बालों में कंघा करती है। तो गीता बोलती है कि मुझे मुझे सोना है। भूमि बोलती, हाँ मुझे भी सोना है, चलो आओ सोते हैं। और फिर भूमि गीता को बोलती, आओ बेड पे सो जाओ। गीता बोलती, यहाँ तुम्हारे साथ? भूमि बोलती, तो क्या मैं नीचे ज़मीन पर सोऊँ? तो गीता बोलती, नहीं मैं नीचे सो जाती हूँ। भूमि बोलती, है इसकी कोई जरूरत नहीं, ओके माना मुझे तुम पसंद हो पर इतनी भी नहीं कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर दो, मैं कुछ नहीं करूँगा, तुम बस चुपचाप से सो जाओ, ओके रिलैक्स। ये देखो बीच में मैं ये पिलो रख लूँगी, ओके अब सो जाओ। तो भूमि ऐसे बोलती, लाइट्स वगैरह सब ऑफ करती है और सो जाती है। पर गीता को नींद नहीं आती, वो अपनी बेटी के बारे में सोच रही थी कि वो इस टाइम कहाँ होगी, क्या वो भी सो रही होगी, उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं, वो किन लोगों के साथ होगी, वो सेफ तो होगी, बस यही सब कुछ उसके माइंड में चल रहा था। तब उसे गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। गीता तुरंत उठती है और वो विंडो से नीचे की तरफ देखने लगती है और वहाँ पे वो पहली बार वो देखती है भूमि के पिताजी को, जो दिखने में तो नेक इंसान लग रहे थे, और वो कोट शॉर्ट पहने अंदर आते हैं। गीता उन्हें देखती है और उसका मन करता है बस उसके पास चले जाए और कॉलर से पकड़ के अपनी बेटी के बारे में सब कुछ पूछे, पर वो ऐसा नहीं करते क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो भूमि जान लेगी कि वो यहाँ उसके लिए नहीं, उसके पिताजी के लिए आई है, और उसे तकलीफ भी होगी, शायद ऐसे करने से वो अपनी बेटी तक पहुँच भी ना पाए। इसलिए गीता खुद पर कंट्रोल करती है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, उसका खून खोल रहा था, वो पागल हो रही थी, पर वो चुपचाप बेड पे बैठ जाती है, खुद को शांत करने की कोशिश करती है पर वो शांत नहीं हो पाती। अपनी बेटी के लिए तड़प रही थी, रो रही थी, और उसके पास अब उसकी फ़ोटो भी नहीं होती जो वो उसे देख पाए, इसीलिए वो बस रोने लगती है और सोचती है कि मैं कब अपनी बेटी तक पहुँचूँगी, मैं कब उसे देखूँगी, कहीं
कहीं मैं उसे हमेशा के लिए खो ना दूं, कहीं मैं उसे ढूंढने में देर ना कर दूं, यही सब सोच के वो बहुत ज्यादा रो रही थी। तभी भूमि की आंख खुलती है और वो देखती है कि गीता रो रही है। भूमि नाइट रूम करती है और गीता के पास आती, कहती है ये गीता क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। गीता कुछ भी नहीं बोलती, वो बस रोती रहती है। तो भूमि उसे हक कर लेती है, कहती क्या तुम्हें तुम्हारी फैमिली की याद आ रही है। जिस पे गीता बोलती हाँ मुझे मेरे परिवार की बहुत याद आ रही है, मेरी फैमिली के पास जाना है। गीता ऐसे ही बहुत रो रही थी। भूमि उसके आंसू पोंछती रही थी। लोग चलो पानी पियो, पर गीता पानी नहीं पीती। भूमि पूछती है कि तुम्हारी फैमिली कहाँ रहती है, बताओ मैं खुद तुम्हें छोड़ के आऊंगी। पर गीता बोलती है मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मुझे मुझे मेरे परिवार के पास जाना है पर मुझे नहीं पता वो कहाँ है। भूमि बोलती है क्या तुम खो चुकी हो। गीता बोलती है हाँ मुझे अपनी फैमिली के पास जाना है पर मैं उन्हें ढूंढ नहीं पा रही, मैं उन्हें नहीं ढूंढ पा रही। भूमि उसे हक करती है, कहती है शांत हो जाओ, मैं मेरे डैड से बात करती हूँ ना, वो इन सब कामों में बहुत अच्छे हैं, वो चुटकी बजा के तुम्हारी फैमिली का पता कर लेंगे। हाँ मैं देखती हूँ, अगर डैड आए तो मैं उनसे बात करती हूँ। पर गीता भूमि का हाथ था मेरी तो वही, नहीं किसी से कुछ मत कहना प्लीज, किसी से कुछ मत कहना। भूमि बोलती अरे फिर तुम्हारी फैमिली के बारे में कैसे पता चलेगा। पर गीता घबरा जाती है, अगर भूमि अपने पिताजी को यानी अपने डैड को बता देगी तो वो तो समझ जाएंगे, शायद वो गीता का पूरा पास निकाले और पता चल जाए कि गीता कौन है और फिर उसकी बेटी के साथ पता नहीं क्या कर दे। इसलिए गीता घबरा जाती है और वो बस भूमि को किसी भी तरह रोक देती है। भूमि उस टाइम रुक जाती है और वो गीता को बोलती चलो सो जाओ, पर गीता सो नहीं रही। तो भूमि हल्का सा उसके करीब आती है और कहती है देखो मैं ये पिल्लो हटा रही हूँ, ओके, पर मैं कुछ गलत नहीं करी, मैं बस तुम्हें सुला रही हूँ। और वो पिल्लो हटा के गीता के करीब आ जाती है, उसके बालों में हाथ फेरती है और कहती चलो सो जाओ। पता है जब मैं बहुत छोटी थी और मुझे नींद आती थी तो मम्मा मुझे ऐसे सुलाती थी और मुझे झट से नींद आ जाती थी, तुम भी आंखें बंद करो देखना तुम्हें नींद आ जाएगी। तो भूमि उसके बालों में हाथ फेरती है और उसे एक सॉन्ग सुनाने लगती है जो बहुत ही पुराना था, जो उसकी मम्मा कभी सुनाया करती थी। वो सुनते सुनते गीता सो जाती है और भूमि गीता को बहुत ही प्यार से देखने लगती है। भूमि के दिल में तो गीता के लिए बहुत सी फीलिंग्स थी और वो तो गीता के साथ अपना फ्यूचर भी देख रही थी, पर कहीं ना कहीं भूमि जानती थी कि गीता शायद उसे चाहती नहीं है। और यही सोच के भूमि बहुत परेशान भी हो रही थी, पर अब वो सोचती है कि मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करती हूँ लोहे, और वो दिखने में भी ठीक ठाक हूँ, तो अगर मैं कोशिश करूँ तो शायद गीता मुझे चाहने लगे। और अब भूमि डिसाइड कर लेती है, पर भूमि तो बेखबर थी कि गीता यहाँ क्यों है, वो यहाँ किस मकसद के लिए है। आप लोग को क्या लगता है, क्या भूमि कभी ये जान पाएगी, और अगर वो जान पाएगी तो वो क्या करेगी। सब जाने के बाद बेचारी भूमि का तो दिल ही टूट जाएगा। सो गाइस आगे देखते हैं क्या होगा, तब तक ये टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक प्यार से छोटी सी नॉर्मल सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को जल्द से सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।